तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब ठीक होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे यार। तो गाइस मैंने सुना है कि पबजी बैन होने वाला है। क्या क्या क्या? आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा। तो गाइस जून के एंडिंग में गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि इंडिया से 58 ऐप्स को बैन किया जाए, जिसमें इंक्लूडिंग था टिकटॉक। और अभी मंडे को न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट और 275 ऐप्स बैन करने वाली है इंडिया से, जिसमें मैंने सुना है कि पबजी भी है। तो गाइस मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, मैं तो ये चाहता कि पबजी बैन हो। लोगों को पूरा टॉपिक भरना पड़ेगा, पूरा पबजी बैन करो। हाँ तो ये बैन क्यों हो रहा है? ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से बैन हो रहा है, क्योंकि जितना मैंने सुना है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से बैन हो रहा है। और आजकल तो आपको तो मालूम ही नहीं होगा कि ऐप्स जो भी इंस्टॉल करना होगा अगर आपको अपने मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल में, तो आपको पहले वो परमिशन मांगते हैं कि उनको एक्सेस चाहिए आपके स्टोरेज का। इसीलिए मतलब काफ़ी सारे चीज़ें। तो गाइस इसमें अपना ओपिनियन मुझे बताओ, कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसा है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट जनता का ओपिनियन मैटर करता है। तो आप मुझे बताओ कि कैसा, आपको क्या लग रहा है कि पबजी बैन होना चाहिए या होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे एक बात कही थी कि टिकटॉक बैन हो गया है, उसमें अपना ओपिनियन दो। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए, तो वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। और मैंने ना अभी कुछ आइडिया सोचा है कि मैंने सोचा कि अभी हम ऐसे एंड नहीं करेंगे, हम एक टारगेट रखेंगे कि इस वीडियो का टारगेट रखेंगे कि 10 लाइक्स और 5 कमेंट्स, 10 लाइक्स और 5 कमेंट्स इस वीडियो का टारगेट रखेंगे। बारिश बहुत ज़ोरों की आ रही है और लास्ट आपको पता ही क्या करना है। तो ओके बाय। की बात आए तो लो तूफान, बारी आई मेरी बंद कर लो दुकान। नया प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए है तैयार, अब समय है मेरा, मैं नहीं किसी का गुलाम। ए सोच आगे क्या होगा, बचा कुछ।